जो ये मार्केट में फिलॉसफी चल रही है कि नेवर गिव अप नेवर गिव अप, सर ये फिलॉसफी क्यों है? सर एक बंदा है जो 100% अपना दे चुका है, उसके बाद भी उसका वो चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है रिलेटेड टू इन एग्जाम्स वगैरह में, और वो गिव अप करने को तैयार है, मतलब वो हटने को तैयार है, क्योंकि उसका ही डिसीजन था उसमें जाने का और उसका ही डिसीजन है उसे बाहर आने का। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत कर रहा है वो, लेकिन सर ये जो मार्केट में फिलॉसफी चल चुकी है नेवर गिव अप नेवर गिव अप, इसकी वजह से सर वो गिव अप नहीं कर पा रहा है। और ये सर आप मेरी आसपास तरफ इशारा कर रहे हो क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं। ये फिलॉसफी किसने चलाई है ये मार्केट में, और किस मार्केट में ये ये फिलॉसफी चल सर रही है? बहुत लोगों ने चलाई है सर, अच्छा किसी का पर्सनल मैं नाम नहीं ले रहा सर। आई अंडरस्टैंड। और सर लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं कि जैसे उसने कोई क्राइम किया है और आईपीसी के किसी सेक्शन में उसे सजा मिलनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड। क्वेश्चन ये है कि सर नेवर गिव अप कौन सी एज तक? सर कौन सी एक टाइम पीरियड तो होगा कि यहाँ तक मतलब नेवर गिव अप? 50 साल 60 साल। हाँ सर, क्योंकि सर उसके बाद साल तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा ना सर। हाँ है ना बिल्कुल सही सर? बात है। मैंने अपने बहुत अलग अलग सेशंस में एक एग्जांपल दिया है, अभी दोबारा से देता हूँ, उससे आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर होगा। देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर दीवार में हम कील ठोक रहे हैं, आप कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 दिन हो गए, डेली आकर के यही करते रहते हो, और वो कील टेढ़ी होती चली जा रही है, काफी सारी कीलें खराब हो गई हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है, तो क्या वहां पे फिलॉसफी काम आएगी कि नेवर गिव अप, लगे रहो, कभी तो जाएगी कभी तो जाएगी। हो सकता है वहां पे पीछे कोई लोहे का बीम हो जिसके आर पर वो जा ही नहीं सकती, और अगर चली भी गई 10 साल बाद तो इट इज नॉट वर्थ इट, कि 10 साल तक आपने किया क्या, एक कील ही तो ठोकी है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? या तो एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा काम कर रहे होते कि ठीक है 10-20 साल लगाए उसके बाद में कुछ किया आपने, क्या किया भाई 20 साल लगाए लग गए और एक कील ठोक दी मैंने, तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो अब यहां पर क्या फंडा काम आएगा, यहां पे समझदारी चाहिए कि अगर कील अंदर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर यू आर नॉट गिविंग अप, नाइदर यू आर सेइंग कि नहीं मेरे को लगे रहना है। इन दोनों से सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस मिलती है जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो सक्सेसफुल होने का रास्ता है, जो तरीका है उसको क्रैक करके। दोनों में फर्क समझ आया? कि अब वहां पे मोटिवेशन काम आने वाला है कील ठोकने में, क्या डीमोटिवेशन काम आएगा? नहीं, कील तो कभी अंदर जा ही नहीं सकती, यहां नहीं जा सकती तो कहीं नहीं जा सकती, दुनिया की किसी दीवार में नहीं जा सकती, यहां पे ना तो डीमोटिवेशन काम आने वाला है ना मोटिवेशन, तो क्या काम आएगा? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, कि अगर ये कील अंदर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही, औरों की जा रही है मेरी नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही। जैसी क्वेश्चन बीच में आ जाता है, और अगर उस क्वेश्चन को आप पकड़ करके रखते हो, और जितनी देर तक आप क्वेश्चन के साथ ठहर सकते हो उतने ही आप समझदार हो। जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई ये कील अंदर क्यों नहीं जा रही, अब एकदम से आपको जवाब मिलेगा, अच्छा हो सकता है यहां पर कुछ गड़बड़ हो, इसके पीछे हो सकता है लोहे का कुछ हो सकता है कील में कुछ गड़बड़ हो सकता है इसको अंदर ले जाने के लिए हथौड़ा चाहिए होता है और मैं अपने हाथ से ही लगा हुआ हूं, मेरे हाथ में खून निकल रहा है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अभी आप हंस रहे हो बट ऐसे ही हम लाइफ को जी रहे हैं। यहां पर जो लोग बैठे हैं ना, 90% लोग ऐसे ही जी रहे हैं अपनी लाइफ को, लगे हुए हैं, हाथ पैर मार रहे हैं अलग अलग तरीकों से, कुछ हो रहा नहीं है, फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, या तो एक्साइटेड हुए पड़े हैं कि नहीं मैंने 10 बार ट्राई कर लिया नहीं हुआ 11वीं बार होगा, बेवकूफ है मेरे हिसाब से, समझदार नहीं है, क्योंकि जो आपने 10 बार गलती करी अगर वही 11वीं बार भी करने वाले हो तो गारंटेड है नहीं होगा। यहां पर ये क्वेश्चनिंग बीच में आ जाती है, तो एकदम से आप देखोगे, अच्छा मैं अपने हाथ से लगा हुआ हूं, मैं मेहनत उनसे ज्यादा कर रहा हूं, वो बंदे मेहनत भी कम कर रहे हैं फिर भी उनका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मेरे खून भी आ रहा है, किसी और के खून भी नहीं नजर आ रहा है मेरे को, तो क्या है गड़बड़? तो आपको एकदम से एक पॉइंट समझ आया, अच्छा अच्छा इसके लिए हथौड़ा चाहिए होता है, उससे आपने ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ, अच्छा शायद मेरे को पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, शायद जो कील है आगे से नुकीली नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे जैसे आपको आंसर्स मिलते चले जा रहे हैं, उसको आप इंप्लीमेंट करते चले जा रहे हो, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि सक्सेस मिलनी ही मिलनी है।